हेलो दोस्तों, मैं हूँ रंजना और आपका स्वागत है रंजना राइज किचन में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ सूजी से बनी एक ऐसी रेसिपी जो आप सबको बहुत पसंद है। दोस्तों, आपको जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो ये रेसिपी जरूर बनाएं। बहुत ही आसान है बनाना। इसको मैंने घर की चीजों से बनाया जो हमारे घर में पड़े रहते हैं सामान, और बहुत ही टेस्टी बना है। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे एक कप सूजी। अब हम डालेंगे एक कप चीनी। अब हम डालेंगे हाफ चम्मच सौंफ पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम डालेंगे हाफ चम्मच इलायची पाउडर। सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर और सौंफ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। सूजी का मिक्सचर हमारा रेडी है। गैस पे मैंने एक पैन रख दिया है, उसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। पानी को बिल्कुल नाप के ही डालें। पानी को हम बॉयल होने देंगे। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है तो हम ढक्कन हटा देते हैं और इसमें ऐड कर देंगे सूजी का मिक्सचर जो हमने बना के रखा था, और इसे एक बार मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है और इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे, जिससे सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल जाए। तो आप देख सकते हो सूजी हमारी फूलनी शुरू हो गई है। हमारे 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम ढक्कन हटा के इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल गई है। ये देखिए, अब हम गैस को बंद कर देंगे, एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से सूजी हमारी फूल के तैयार हुई है। बिल्कुल इसी तरह का हमें चाहिए। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, सूजी को मैंने प्लेट में निकाल लिया। इसे हम बिल्कुल हल्का सा ठंडा करेंगे, पूरा ठंडा नहीं करेंगे। जो हमारा हल्का ठंडा हो गया, तब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके हमें बिस्किट की तरह बनाना है। इस प्रोसेस को हमें गर्म ही करना है, नहीं तो बिस्किट हमारा फटने लगेगा। इस तरह से चपटा कर देंगे और सारा इसी तरह से हम बना लेंगे। ये देखिए, हमने सारा बना के रेडी कर लिया है। तो आप भी इस तरह से पहले बना के सारा रेडी कर लें। नाइफ की हेल्प से कुछ डिजाइन बना दूंगी, जिसे और भी अच्छा लगे। आप चाहें तो किसी भी चीज से बना सकते हैं। इस तरह से बना दें, देखने में बहुत सुंदर लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। इस तरह से हम सारा बना लेंगे। मैंने समय डिजाइन बना ली है। ये देखिए, इसमें मैंने ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए। अच्छा गरम हो गया है, तो हमने जो सूजी का स्वीट्स बना के रखा था, एक एक करके सारे हम डाल देंगे। सावधानी से डालें, बिल्कुल तेल गरम है। गैस को लो टू मीडियम रख के हमें इसे फ्राई करना है। जब नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे पलटेंगे, नहीं तो हमारा सूजी का जो स्वीट्स है फट जाए। हल्का सा इसे स्टर कर दें, जिससे नीचे चिपके ना, बिल्कुल हल्के हाथ में। नीचे से हल्का ब्राउन होने लगा है, तो अब हम इसको पलट देंगे। एक एक करके ये सारा पलट दें। बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। इसको हम टोटल 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब कलर इसका देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कलर आ रहा है। दोस्तों, रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है, पक गया है, तो अब हम इसे निकालेंगे। इस छन्नी पे हम निकाल लेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल गया। और जो हमारा बचा हुआ सूजी सीड्स है, उसी तरह से तल देंगे। सूजी का स्वीट्स हमारा रेडी है, तो आइए देख लेते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए, फोक से मैं इसको इस तरह से करूंगी, आप इसकी आवाज सुन सकते हैं। फिर
ये देखिए ऊपर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही नरम है। दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।